जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा शिमला में 5 दिवसीय जिला स्तरीय युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेल विभाग के उपनिदेशक संजय शर्मा रहे। इस 5 दिवसीय शिविर में युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि युवा सेवा खेल विभाग का युवा सेवा विभाग जिला स्तर से नीचे और राज्य भर में युवा मंडलों के माध्यम से कार्य करता है। युवा मंडल युवाओं तक पहुँचने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग तथा युवा स्वैच्छिक संगठनों के वर्तमान नेतृत्व भावी युवा कार्यकर्ताओं को क्षमतावान बनाना है। वहीं जिला युवा एवं खेल अधिकारी राकेश धौटा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में आगामी 5 दिनों तक युवाओं को विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारी उनके विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे, ताकि युवा सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 11 खंडों से 70 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक विकास खंड से 7-7 प्रतिभागी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि शिविर के आयोजन का मकसद सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि इस 5 दिवसीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग, जिला उद्योग विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, खंड विकास कार्यालय, कल्याण विभाग, पुलिस विभाग से आए अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी युवाओं को प्रदान की। इसमें हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो 11 ब्लॉक्स हैं उनमें 7-7 कैंडिडेट पर ब्लॉक आए हुए हैं। टोटल जो है 77 यूथ आया हुआ है। इसमें हमने 10 विभाग जो है यहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है और आपके हेल्थ है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, DIC है, और इस तरह के 10 विभाग हमने इसमें बना रखे हैं। जो विभाग की जो गतिविधियां हैं, जो स्कीम्स चल रही है, उन स्कीम्स की जानकारी जो है वो इन युवाओं को दी जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर में जो स्कीम चली हुई है, उससे बागवानी किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उन स्कीमों की जानकारी उनके रिसोर्स पर्सन के द्वारा, जो उनके टेक्निकल लोग यहाँ पे अपना विभाग की जानकारी रखने के लिए आ रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ दी जाती है। और इसका उद्देश्य हमारा ये है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों के लिए जो स्कीम्स बनाई गई हैं, उन स्कीम्स को जो है जन जन तक पहुंचाया जाए, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाए स्कीमों को भी जन जन तक पहुंचाया जाए। उसका एक हमारे पास एक माध्यम जो है वो माध्यम हमारे आज के युवा है, इसीलिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से इन युवाओं को यहाँ पर बुलाया हुआ है। और ये आगे जाके इन जानकारियों को जो है अपने जो इनका क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों के साथ साझा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीम है, इसकी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ऐसा है कि जो युवा सेवा खेल विभाग का युवा सेवा विभाग है, वो जिला स्तर से नीचे और राज्य भर में युवा मंडलों के माध्यम से वर्क करता है। युवा मंडल युवाओं तक पहुँचने के लिए जो भी हमारी योजनाएँ हैं उसके लिए माध्यम है। ये माध्यम सशक्त हो, ये माध्यम प्रभावी हो, ऐसा विभाग का प्रयास रहता है। क्योंकि युवा मंडलों का गठन स्वयं से भी युवाओं द्वारा किया जाता है, स्वयं से भी आधार पर किया जाता है। उनको और ज़्यादा सशक्त करने के लिए, युवा मंडलों के संचालन में प्रशिक्षण के लिए, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए ये विशेष प्रशिक्षण जो है आयोजन किया जाता है, ताकि उनके क्षमताओं का संवर्धन हो सके, उन्हें सरकार के विभिन्न जहाँ युवा मुद्दों पे उनकी जानकारी अच्छी हो, जहाँ युवा मुद्दों पे एक प्रभावी अपना दृष्टिकोण वो रख सकें, वहीं ऐसा भी हो कि वो सरकार की विकासात्मक योजनाओं को भी जनमानस के बीच में अच्छे से, युवाओं से प्रासंगिक योजनाओं को प्रॉपरली जो है वो रख सकें युवाओं के बीच में। इस मंतव्य से ही इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। PR TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।